अगर सरकार ने सही समय रहते कोई उपाय नहीं किया तो इसी महीने की 31 तारीख को देश भर में रेल के पहिए थम सकते हैं। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टर्स का हड़ताल पर जाना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर के करीब 35,000 स्टेशन मास्टर्स ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस थमा दिया। इसमें आगामी 31 मई को हड़ताल यानी सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही गई है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय चंद्रात्रे का कहना है कि अब उनके पास सामूहिक अवकाश पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरे देश में इस समय 6,000 से भी ज्यादा स्टेशन मास्टर्स की कमी है और रेल प्रशासन इन पदों पर भर्ती नहीं कर रहा। इस वजह से इस समय देश के आधे से भी ज्यादा स्टेशन पर महज 2 स्टेशन मास्टर्स पोस्टेड हैं। यूं तो स्टेशन मास्टर्स की शिफ्ट 8 घंटे की होती है, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से इन्हें हर रोज 12 घंटे की शिफ्ट करनी होती है। जिस दिन किसी स्टेशन मास्टर का साप्ताहिक अवकाश होता है, उस दिन किसी दूसरे स्टेशन के कर्मचारी को बुलाना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी स्टाफ की तबीयत खराब हो जाए या उसके घर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हड़बड़ी मच जाती है। उनका कहना है कि स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का यह निर्णय कोई अचानक नहीं लिया गया, यह निर्णय लंबे समय के बाद लिया गया है, वह भी तब जब रेल प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना। स्टेशन मास्टर्स की मांगें क्या है, इन पर एक नजर डालते हैं। धनंजय का कहना है कि स्टेशन मास्टर्स की मांग की सूची रेलवे बोर्ड के सीईओ को भेज दी गई है। इन मांगों में शामिल है, पहला, रेलवे में सभी रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। सभी रेल कर्मचारियों को बिना किसी अधिकतम सीमा के रात्रि ड्यूटी भत्ता बहाल करना होगा। तीसरी मांग, स्टेशन मास्टर्स के संवर्ग में MACP का लाभ 16 फरवरी साल 2018 के बजाय 1 जनवरी 2016 से प्रदान करना। चौथी मांग, संशोधित पदनामों के साथ संवर्गों का पुनर्गठन करना। पांचवी मांग, ट्रेनों के सुरक्षित और समय पर चलने में उनके योगदान के लिए स्टेशन मास्टर्स की सुरक्षा और तनाव भत्ता देना। छठी मांग, रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण रोकना। सातवीं मांग, न्यू पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।